साथियों, अभी कल ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने समुद्र में डूबी हुई द्वारिका नगरी के दर्शन किए। विष्णु पुराण में वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने समुद्र देवता से 12 योजन की जमीन लेकर द्वारिका नगरी को बसाया था। यहाँ पर महलों का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा जी ने किया था, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण जी देह त्याग करके अपने लोक वापस चले गए, तब ये नगरी पुनः समुद्र देवता में समा गई थी और इसी के साथ कलयुग का आरंभ भी माना जाता है। इसका वर्णन आपको भागवतम पुराण और महाभारत के मौसल पर्व में भी देखने को मिलेगा। इसके साथ ये भी कहा जाता है कि गांधारी जी ने कौरवों का विनाश देखकर भगवान श्री कृष्ण जी को यह श्राप दिया था कि जिस प्रकार से उनके पुत्रों का विनाश हुआ है, वैसे ही यदुवंशियों की द्वारिका का भी नाश हो जाएगा। साथियों, 1980 से पहले द्वारिका नगरी को मिथक माना जाता था, लेकिन सौराष्ट्र के समुद्र तटों पर प्राचीन द्वारिका नगरी के पुरातात्विक अवशेषों ने हमारे पौराणिक इतिहास को हमारे सामने ला दिया। गुजरात सरकार ने इस पौराणिक पवित्र नगरी को पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठाए हैं और इस साल दिवाली तक द्वारिका में भारत की सबसे पहली सबमरीन पर्यटन सेवा शुरू होने जा रही है, जिससे हम पवित्र द्वारिका नगरी के दर्शन कर पाएंगे।